गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग SBI और IBPS के अगले सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट 10, 9 तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। 10th सेट में देखिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला 2 क्वेश्चन मैच द कॉलम का डाला गया है। मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, मैच द कॉलम का ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें आपको देखना है कि ए का पेयर किसके किसके साथ दिया है। एक तो ए डी का पेयर है और दूसरा है ए ई का पेयर। आपको चुनना है कॉलम 1 से और कॉलम 2 से किस किस पार्ट को मिलाया जाए जो सेंटेंस हमारा सही बनेगा, है ना। तो कॉलम ए से एक को चुनना है और कॉलम 2 से एक को चुनना है। तो ए को अगर देखें तो कार्बन नैनो फ्लोरेट सब्जेक्ट मेड बाय, एक्स्ट्रा बात बताया है ना, पास्ट पार्टिसिपल यूज करके, किसके द्वारा बनाया गया, IIT बॉम्बे रिसर्चर्स के द्वारा। ये समझो एक्स्ट्रा बात हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये कैन मॉडल हो गया। इसके बाद जब भी हमें चाहिए क्या चाहिए, B1 चाहिए। मॉडल के बाद क्या चाहिए हमें, B1। तो अब कॉलम 2 से वो सेंटेंस ढूंढो जिसका पहला वर्ड B1 फॉर्म में हो, वर्ब हो B1 फॉर्म में। तो ये देखिए न्यू सोर्स नहीं होगा, वैसे हमारे पास AF का ऑप्शन था भी नहीं, AE ऑप्शन है। तो AE में देखिए विल लिखा है, क्या 2 मॉडल लिखेंगे, कैन और उसके बाद विल आएगा कभी, ए और ई ऐसे मैच करेगा क्या, कैन और विल दोनों लगाने से सेंटेंस तो नहीं बनेगा, दो मॉडल हो रहा है, इसका मतलब AE गलत हो गया। अब AD को देखो, कैन कन्वर्ट B1, किसे कन्वर्ट कर सकता है, इंसिडेंट सनलाइट को, क्या चीज में, हीट में, विथ 87% एफिशिएंसी के साथ। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो AD का पेयर सही है, AD सही हो गया। अब नन ऑफ द एबव भी हो सकता है अगर BF गलत हुआ तो, इसलिए हमें BF को भी चेक करना पड़ेगा। तो आइए BF को चेक कीजिए। आगा खान फाउंडेशन सब्जेक्ट हैज गिवन वर्ब विमेन ऑब्जेक्ट इन द बिहार डिस्ट्रिक्ट, क्या दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट, गिवेन होम का जवाब दिया, अब व्हाट का जवाब देंगे, अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो गया। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये पहला ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट होम का जवाब दे रहा है, ये होम है, गिवेन होम एंड गिवेन व्हाट, तो व्हाट दे रहा है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक यहां पर गिवन वर्ब व्हाट का जवाब दिया और हुम का जवाब दिया, दोनों जवाब दे रहा है, इसलिए ये बी और एफ का पेयर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी और एफ का पेयर अब सही हो गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 नंबर AD और BF दोनों सही है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का ही, ए का पेयर डी के साथ और ए का पेयर ई के साथ, बस ये 2 चेक करिए पहले। जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट लेड हो गया वर्ब पास्ट में, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम ऑब्जेक्ट हो गया, कहां, तो इन के बाद थ्रू, इन और थ्रू दोनों तो कोई मतलब नहीं एक साथ में आने का, ये 2 प्रीपोजिशन को, इन भी और थ्रू भी दोनों एक साथ आने का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब AD गलत। अगर AD गलत तो 1 नंबर ऑप्शन कट गया। अब AE को चेक करेंगे, इन शोभा सिंह जो कि व्यक्ति है, हु आगे लिखा हुआ है, तो किसी व्यक्ति में नेशनल म्यूजियम का फाउंडेशन स्टोन आधारशिला तो नहीं रखा जा सकता, किसी व्यक्ति शोभा सिंह में आधारशिला तो नहीं रख देंगे ना, इसका मतलब AE का पेयर भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको चेक करना है BF होगा या CD होगा, तो BF को चेक करो, द फीलिंग अ पर्सन डेवलप्स बाय पार्टिसिपेटिंग डिवोशन, ये यहां से यहां तक एक्स्ट्रा बात को अलग कीजिए, द फीलिंग्स इज यूनिक इज वर्ब हो गया, इज यूनिक और यूनिक के बाद एक जॉब नहीं होगा, अयूनिक जॉब हो सकता था, यूनिक के बाद ए नहीं होगा, आपको मालूम है अयूनिक जॉब, ऐसे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर लिखना भी होगा तो लिखेंगे अयूनिक जॉब, ये लिख सकते हैं आप, मतलब ए को यूनिक के पहले लिखना होगा बाद में नहीं, इसका मतलब बी और एफ का भी पेयर गलत है।
अब सीडी को चेक कर लीजिए, सीडी को चेक करते हैं। साइंटिस्ट सब्जेक्ट बिलीव वर्ब क्लाउज खत्म, दैट हो गया कंजंक्शन, नया क्लाउज शुरू कर रहे हैं। अंडर वाटर माउंटेन्स सब्जेक्ट फॉर्म्ड थ्रू वॉल्केनिक एक्शंस, तो यहां से लेकर के यहां तक समझो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा बात बताया जा रहा अंडर वाटर माउंटेन्स के लिए, जो क्या किया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है वॉल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से। अब इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब हो गया आर पोटेंशियली रिच इन कोबाल्ट, वो क्या है, कोबाल्ट में रिच होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर आपका बन रहा है किसमें, सीडी में, इसलिए आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आने के पहले एक अनाउंसमेंट है, क्या अनाउंसमेंट है, 30th नवंबर से एक न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है आरआर कैंपस में, और ये जो ऑफलाइन बैच है फाउंडेशन बैच, ये बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी, ठीक है। ऑफलाइन मोड में ये बैच 8 AM में, सुबह 8 AM से 11 AM में होगी, और ऑफलाइन विजिट टाइम में, ऑफलाइन में एक विशेष बात क्या है, 5,999 जिसका फी है वो अभी दिवाली ऑफर में 999 में आपको दिया जा रहा है। इस 999 में ही आप मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीएस चारों पेपर का फाउंडेशन क्लास कर सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप बैंक दो, एसएससी दो, रेलवे दो, कोई भी एग्जाम दो, इस बैच को कवर करने से आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था वर्ड स्वैपिंग का, थर्ड नंबर में, द प्रिमिटिव मिरर सोसाइटी वॉज बिल्ट टू वर्चुअल द, अब ये टू के बाद आपको नहीं लग रहा है कि बनाया गया था क्या करने के लिए, तो यहां पर भी वन चाहिए, लग रहा है क्या, बता दो, यहां पर एक प्रिमिटिव मिरर सोसाइटी, अब ये कैसा सोसाइटी, तो सोसाइटी नाउन है और इसके लिए आपको वर्ब चाहिए, तो ये मिरर भी अपने जगह सही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक वर्चुअल सोसाइटी का निर्माण किया गया था, अ प्रिमिटिव वर्चुअल सोसाइटी वॉज बिल्ट, तो ए को किससे बदलेंगे, बी से बदलेंगे, ए को बी से बदलने वाला एक ही जगह ऑप्शन है, तो क्या सी डी को भी चेंज करना पड़ेगा, देख लीजिए तो क्या हो गया, द प्रिमिटिव वर्चुअल सोसाइटी वॉज बिल्ट टू मिरर द केयर फ्री स्टेट, दर्शाने के लिए क्या, केयर फ्री स्टेट किसका, नेचर का, न कि लिव्ड का, तो ये दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, नेचर का, दैट पीपल वंस लिव्ड, जो कि लोग एक बार जिए, तो लिव्ड भी चेंज होगा नेचर से, मतलब सीडी को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। आंसर हो गया आपका कौन सा, आंसर हो गया कौन सा, तीन नंबर, ए को बी से और सी को डी से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो सेंटेंस ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली बोथ रूप से सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर सम कैरियर्स वेयर यू कांट अफोर्ड, अब ये बताओ इसमें क्या गलती है, कुछ तो कैरियर्स हैं, नाउन ये है एडजेक्टिव, इसका मतलब ये अपने जगह सही, दूसरा देखिए कांट हो गया मॉडल, मॉडल के बाद भी वन, कांट अफोर्ड, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, टू मेक इवन द मोस्ट डिजास्टर मिस्टेक, तो ए और बी को चेंज करने का जरूरत नहीं, अगर ए को चेंज नहीं करना है, बी को चेंज नहीं करना है, तो तीन ऑप्शन हट गया, अब सी और डी सही है अपने जगह, तो आंसर होगा पांच नंबर, या सी को डी से चेंज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आंसर होगा दो नंबर, और देखें क्या होगा, द मोस्ट डिजास्टर्स मिस्टेक विदाउट इन्फिनिटेसिमल कंसिक्वेंसेस, यहां पर ये मिस्टेक नाउन है और ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप नहीं बता सकते, अब आपको वोकैब लगाना पड़ेगा, मीनिंग देखना पड़ेगा सेंटेंस का, तो क्या होगा, देखो आप अफोर्ड नहीं कर सकते बनाने का, इवन द मोस्ट
क्या मिस्टेक, डिसास्टर मिस्टेक या इन्फाइनाइटिसिमल मिस्टेक? इन्फाइनाइटिसिमल मिस्टेक मतलब बहुत छोटा गलती, इन्फाइनाइटिसिमल मतलब बहुत छोटा गलती, विदाउट डिसास्टर कंसिक्वेंसेस, बड़े परिणाम के बिना, मतलब छोटा गलती भी आप करते हैं तो बड़ा परिणाम उसका हो जाता है। तो सी को डी से रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, दो नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ रही है बात समझ में तो बता दो, क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लो, द स्पिनस्टर केयरफुली लूसेंड हर थ्रेड फ्रॉम द स्पिन एंड बिगेन टू स्पूल इट इनटू अ मास्टर पीस। क्या चारों वर्ड अपने जगह सही है या इसे रिप्लेस करने की आवश्यकता है? जल्दी बताइए, बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी बता दो क्या आंसर होगा। तो देखिए, द स्पिनस्टर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लूजेंड हर थ्रेड फ्रॉम द स्पिन से, तो ये तो वर्ब है, भीवन घुमाना है ना, कहां से, स्पूल से, ये नाउन है। तो स्पूल क्या होता है, आप लोग कभी बचपन में पतंग उड़ाए हो, तो वो जो पतंग उड़ाते हैं ना, वो पतंग उड़ाने के लिए जो लटेल यूज करते थे, आप लोग पता नहीं क्या भाषा क्या वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हो, जिसमें थ्रेड लपेटा हुआ होता है उसे ही कहते हैं स्पूल। तो लूजेंड हर थ्रेड, कहां से थ्रेड ढीला की हुआ, अपने स्पूल से, फ्रॉम द, ये वर्ड कहाँ आना चाहिए, इसके तुरंत बाद में आना चाहिए, इसका मतलब स्पिन को स्पूल से रिप्लेस करेंगे, सी को डी से रिप्लेस करेंगे, आंसर होगा एक नंबर, है ना। स्पिनस्टर केयरफुली ध्यानपूर्वक वह लूज की थ्रेड को कहाँ से, स्पूल से, एंड बिगैन टू, और क्या शुरू कर दी, स्पिन इट, उसे घुमाना इनटू अ मास्टरपीस में, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है, आफ्टर हैविंग द स्टे सिम्ड ऑन अ प्रेसिडेंट विटनेसिंग एक्सेस टू अ पर्सनल सेफ प्लेस्ड टू बी द बेस्ट पर्क ऑफ द जॉब, क्या होगा बता दो आंसर। तो एक चीज है, ये आफ्टर हैविंग द स्ट्रेस या विटनेसिंग द स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम लोग रखते नहीं है, पसेस नहीं करते हैं, स्ट्रेस को विटनेस आप कर सकते हैं, हाँ एक्सेस को ये जरूर आप हैव करेंगे, अगर आपके पास एक्सेस है तो यू आर हैविंग एक्सेस, है ना। और ये प्लेस्ड कहां आना चाहिए, तो ऑन के पहले आना चाहिए, आप ऐसे समझो प्लेस्ड आएगा ऑन के लिए, और स्ट्रेस को कौन के क्या करेंगे आप, या बेहतर है कि एक्सेस का ले लो, एक्सेस को क्या करेंगे आप, हैव करेंगे, पसेस करेंगे अगर आपके पास है तो। तो ये एक्सेस के लिए हैविंग आना चाहिए, मतलब ये यहां एक ओ सी से बदलेंगे, एक ओ सी से, और प्लेस्ड जाना चाहिए ऑन के पहले, मतलब बी को डी से, आंसर हो गया डी नंबर। अगर एक ओ सी से और बी को डी से रिप्लेस कर दिया जाए तो सेंटेंस हो जाएगा मीनिंगफुल, सेंटेंस हो जाएगा सही, क्या बात समझ में आई बता दें, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ड दिया गया है आपको स्टेट, और आपको ये बताना है कि वो कौन सा सेंटेंस है ये तीन सेंटेंस में से जिसमें कि स्टेट वर्ड को सही सही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, द विटनेस वॉज आस्क्ड, विटनेस को कहा गया था, क्या करने के लिए विटनेस को कहा गया था, टू स्टेट द इवेंट्स, बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, द इवेंट्स लीडिंग अप टू द मर्डर इंसिडेंट, टू प्रोवाइड ए क्लियर अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड। विटनेस से, गवाह से कहा गया था कि व्यक्त करो, बताओ क्या घटना के बारे में जो कि मर्डर इंसिडेंट को प्रोवाइड किया कराए, क्या कराए, एक क्लियर अकाउंट ऑफ कि क्या घटित हुआ था, ये एक्चुअली में पता चल सके। तो ये तो सही है एक नंबर। दूसरा देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टेट द आंसर। अब देखो आंसर को ना कभी स्टेट नहीं किया जाता, आंसर को या तो आप लिखते हैं राइट, है ना, या से ये कहते हैं आंसर को, या तो प्रोवाइड करा सकते हैं आप आंसर, प्रोवाइड करो या से करो या राइट करो, टेल करो, ये सब वर्ड होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब होता है ना कि कुछ बातों को रखना, तो आंसर को आप रखते नहीं है, आंसर को आप लिखते हैं, है ना,
इसलिए यहां पर स्टेट वर्ड सही नहीं है। द म्यूजिशियन अटेम्प्टेड टू स्टेट हिज गिटार, अपने गिटार को क्या करने का प्रयास करेगा म्यूजिशियन, तो उसे ट्यून में लाने का प्रयास करेगा, तो इसके जगह पे सही वर्ड है ट्यून न कि स्टेट, इसलिए यहां पर भी गलत है। सो स्टेट इज यूज्ड करेक्टली इन ओनली वन, कौन से सेंटेंस में सही इस्तेमाल किया गया है, केवल एक में। ठीक है, क्लियर हो गया। ये यही पूछा जा रहा था आपसे, किस सेंटेंस में ये स्टेट वर्ड का इस्तेमाल सही किया गया है। तो स्टेट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हो इसे रिपोर्ट करना। ठीक है, तो आंसर हो गया ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट से क्या है, फिलर का क्वेश्चन है, फिलर का क्वेश्चन है। आइए देखिए, द डैश ऑफ द बिजनेस डील मेड द इन्वेस्टर सस्पिशियस, सो ही आस्क्ड फॉर अ मोर स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ द प्लान। अब कोई बिजनेस डील हो रहा था, उस बिजनेस डील का क्या चीज बना दिया होगा इन्वेस्टर को सस्पिशियस, संदिग्ध बना दिया। अब कोई इन्वेस्टर है, वो बिजनेस डील करने गया है कहीं, और वह सस्पिशियस हो जाए, उसे सस्पिशन हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, बिजनेस डील में उसे क्या लगा होगा। तो प्लेनलेस मतलब हुआ क्लैरिटी, अस्पष्टता, कोई मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि हमें चाहिए निगेटिव वर्ड। बिजनेस डील कुछ उसे निगेटिव लगा होगा, तभी तो वो सस्पिशन में आएगा ना, सस्पिशियस आएगा, और वो बोला होगा कि कुछ ज्यादा स्पेसिफिक आउटलाइन बताओ, क्या प्लान है ना, तभी वो डिमांड करेगा। तो हमें चाहिए निगेटिव, और ये तो हो गया पॉजिटिव वर्ड, इसलिए आंसर गलत। वेगनेस ये हुआ निगेटिव, अस्पष्ट को कहेंगे क्या, अस्पष्ट होता है वेग, तो अस्पष्टता हो जाएगा, ये आंसर हो सकता है। ऑब्वियस मतलब पॉजिटिव, अस्पष्ट, अस्पष्टता, क्लैरिटी को दिखाया, इसलिए ये भी पॉजिटिव है, ये आंसर भी गलत। क्लैरिटी तो पॉजिटिव है ही, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए कट गया। हमें चाहिए था निगेटिव वर्ड, इसलिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं वेगनेस ऑफ द बिजनेस डील, ये सबका सब नाउन था, हमें यहां पर नाउन ऑफ नाउन चाहिए स्ट्रक्चर, वो नाउन चाहिए जो निगेटिव मीनिंग दे रहा हो, तो एक ही ऑप्शन ही बचता है हमारे पास, इसलिए वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश वॉन सेवरल फोर्टिफाइड बैटल्स बट इन द एंड द अमेरिकन्स वर एबल टू विन द डैश, क्या होगा, क्या होगा। शुरू से अंग्रेजों ने जीता है, बहुत सारा फोर्टिफाइड बैटल्स को जीता है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अमेरिकन सक्षम थे जीतने में, तो पहले बैटल्स लड़ाई को जीता है, तो लास्ट में भी लड़ाई जीतने की बात होगा। शुरुआत से अंग्रेज जीते हैं, बाद में लास्ट में अमेरिका जीता है, तो ये एक ऑप्शन है, वार यहां पर आएगा तो मीनिंग देगा। बाकी देखिए, एमिटी मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली रिलेशन को कहेंगे, दोस्ताना संबंध को कहेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस को आप कहते हैं एमिटी, है ना। ट्रूस पॉजिटिव वर्ड, सीज फायर रोकथाम मतलब युद्ध विराम के लिए इसका इस्तेमाल होता है, युद्ध विराम मतलब टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं ट्रूस या सीज फायर। पेसिफाई मतलब शांत करना, तो पेसिफिकेशन भी, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो पहला चार ऑप्शन गलत है ना। क्या जीता, शुरुआत से इंग्लिश जीत रहा था, अंग्रेज जीत रहा था, लेकिन लास्ट में कौन जीता, तो आप कहेंगे क्या, अमेरिकन से जीत गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, डैश टू हर सुपरस्टिशंस द ममसिमस इरेशनली अवॉइडेड ब्लैक कैट, क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन है क्लिंजिंग, क्लिंजिंग मतलब अटैच्ड रहना, चिपके रहना, चिपका रहना, जुड़े रहना, ये सब मतलब होता है। तो अंधविश्वास से जुड़े रहने के कारण, अंधविश्वास से चिपके रहने के वजह से ममसिमस इरेशनली और तार्किक तरीके से अवॉइड किया किसे, ब्लैक कैट से, ब्लैक कैट्स को, तो ये मीनिंग कुछ हद तक दे रहा है, फॉलिंग गिरता हुआ, लूजनिंग छोड़ता हुआ, ड्रॉपिंग गिरता हुआ,
कोई सेंस नहीं दे रहा, दे रहा क्या? नहीं। और एक लास्ट ऑप्शन है फ्लिपिंग, मतलब अचानक से टर्न कर जाना। तो टर्निंग एब्रप्टली आप कर सकते हो बिना अवरोध के, तो आप कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? एक नंबर, मतलब बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन से चिपका हुआ था, उसे जुड़ा हुआ था, उसे मानता था, इसलिए उसने अवॉइड किया ब्लैक कैट्स को और तार्किक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखो क्या होगा। बिकॉज द क्रिटिक्स कॉल्ड द प्ले, क्रिटिक्स है आलोचक करने वाले, आलोचना करने वाले है ना, आलोचक। क्रिटिक्स कॉल्ड द प्ले डैश फेल्योर, कैसा फेल्योर होगा? तो हमें चाहिए निगेटिव वर्ड, और सफलता बताना है तो निगेटिव वर्ड चाहिए। इसमें से कौन कौन सा वर्ड निगेटिव है बता दो, और कौन कौन सा वर्ड पॉजिटिव है? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखेंगे जोकंड, जोकंड मतलब खुश को कहते हैं आप, जॉयफुल को कहेंगे, किसे कहेंगे? जॉयफुल को, चीयरफुल को, खुश को, हैप्पी को, ये सब वर्ड्स हो गया। आप इसी को मर्थफुल भी कह सकते हैं, दोनों पॉजिटिव वर्ड हुआ कट गया। ब्लीत का भी यही मतलब होगा और बायंट का भी यही मतलब होगा, है ना, जॉयफुल, चीयरफुल, हैप्पी, या ब्लाइथ, ब्लाइथ या बायंट या मर्थफुल या जोकंड, सबका एक ही मतलब है। केवल एक ही वर्ड है इसमें डिसमल, जिसका मतलब होता है क्या? ग्लूमी से, खराब से, निराश से, अनप्लेजेंट से, अनप्लेजेंट से, या डिसअपॉइंटिंग से, है ना, इस टाइप का वर्ड्स को आप डिप्रेसिंग से, डिप्रेसिंग से, निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग। तो यहां पर आपको निगेटिव वर्ड चाहिए था, इसलिए आंसर हो गया सी, और ये चार ऑप्शन जो है पॉजिटिव वर्ड्स थे, इसलिए कट गया। बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वोकैब का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत टफ होता है, ये फिलर टाइप, क्योंकि हमें वर्ड्स नहीं पता, आपको टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने कैसे सॉल्व किया, ये फेल्योर नाउन है, इसके लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव एक तो आपको ढूंढना है, दूसरी बात पॉजिटिव नेगेटिव टोन में चले जाओ, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आसान। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का क्वेश्चन है, कहां पर एरर है? वो चूज द पार्ट दैट हैज द एरर, एरर का क्वेश्चन है 12 से 16 में, आपको बताना है कहां पर गलती है। तो देखो कंपनी के गोल्स, अपोस्ट्रोफियस से जोड़ा, नाउन अपोस्ट्रोफियस नाउन, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, वर्ब लिया प्लूरल। कंपनी का गोल्स क्या क्या है? टू एक्सपैंड, क्या क्या एक्सपैंड करना? अपना मार्केट शेयर, तो इट्स सही है क्योंकि कंपनी तो सिंगुलर है ना, गोल्स प्लूरल है, कंपनी का गोल्स है एक्सपैंड करना अपना मार्केट शेयर, अपना मतलब कंपनी का, तो कंपनी सिंगुलर है इसीलिए इट्स मार्केट शेयर। बढ़ाना, क्या बढ़ाना? प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। और क्या करना? तो इनहेंसिंग नहीं, ये देखिए टू एक्सपैंड, टू एक्सपैंड, टू इंक्रीज, उसी तरह से टू इनहेंस, सेम फॉर्मेट में वर्ब चाहिए हमें, तो यहां इनहेंस लिखेंगे न कि इनहेंसिंग, और इनहेंस करना कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को। ठीक है, ये देखिए टू एक्सपैंड, इंक्रीज एंड इनहेंस। ओके, तो आंसर कहां हो गया? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, इनहेंसिंग नहीं लिखेंगे, इन्फिनिटिव को जोड़ेंगे आप तो इन्फिनिटिव से जोड़ेंगे एंड से, जेरंड को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्पाइट द टीम्स एफर्ट्स टू फाइंड अ लॉस, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई नो फ्लॉस इन द प्रोजेक्ट मेकिंग इट अ रिमार्केबल सक्सेस। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब कहां पर है, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद? टीम के प्रयासों के बावजूद। क्या चीज का प्रयास? त्रुटि को ढूंढने का, फ्लॉस को, एरर को ढूंढने का प्रयास के बावजूद, दे कुड नॉट आइडेंटिफाई, वो लोग नहीं ढूंढ पाए, क्या नहीं ढूंढ पाए? कोई गलती। तो जब ये निगेटिव यहां पर हो गया है ना, तो दूसरा एक और निगेटिव नहीं लिखेंगे, अगर दो दो निगेटिव हो जाएगा तो मीनिंग ही खराब हो जाएगा। बोल रहा है कि नहीं आइडेंटिफाई कर सका कोई भी फ्लॉ, तो इस नो के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? एनी फ्लॉस। ठीक है, जब एक निगेटिव आ चुका है तो दोबारा आप नो लिख करके दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं डालेंगे, नहीं तो मीनिंग ही गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा।
दे कुडंट आइडेंटिफाई, वो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सके कोई भी त्रुटि प्रोजेक्ट में, मेकिंग इट अ रिमार्केबल सक्सेस, क्या बनाते हुए, उसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाते हुए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी पार्ट में गलती है, नो को क्या करेंगे, एनी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप रिसर्चर, गलती हो गया ना, वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन होता है वह क्या होता है, वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वह हमेशा प्लूरल होगा और ये जो वर्ब लेगा ये हमेशा सिंगुलर होगा, होगा ना, बहुत ही कॉमन रूल है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर वन ऑफ के बाद ये रिसर्चर जो कि सिंगुलर लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा क्या, रिसर्चर्स प्लूरल, इसलिए कहाँ गलती हो गया, बी पार्ट में गलती हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बोलिए। ओके, देखिए, द स्पीकर सब्जेक्ट, डिलीवर्ड वर्ब, हर प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट, सो कॉन्फिडेंट गलत, क्योंकि अब इस वर्ब को मॉडिफाई करना है आपको, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, कौन मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब करता है, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, कॉन्फिडेंटली लिखेंगे, एडवर्ब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, थोड़ा इधर कट जाएगा, आपको क्या लिखना होगा, कॉन्फिडेंटली डिलीवर्ड, कैसे डिलीवर्ड किया, एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है, तो कॉन्फिडेंटली लिखेंगे न कि कॉन्फिडेंट, ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीका से डिलीवर किया, ये इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर, स्पीकर ने डिलीवर्ड किया अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीका से, दैट क्या, कि जो एंटायर ऑडियंस था इतना कॉन्फिडेंट तरीका से डिलीवर किया कि पूरा ऑडियंस वाज कैप्टिवेटेड बाय हर वर्ड्स, नॉडिंग इन एग्रीमेंट एंड एप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर, द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, जिसे आप कहते हैं कि सिंगुलर है, वर्ब भी हो गया सिंगुलर, ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो ये पसेशन कैसे प्लूरल होगा, पसेशन भी लिखेंगे, कंपनी के लिए आया तो देयर नहीं, द कंपनी इज प्राउड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड इट एप्रिसिएट्स द सपोर्ट फ्रॉम इट्स डेडिकेटेड स्टाफ, है ना, क्या बोल रहे हैं, कंपनी इज प्राउड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड इट एप्रिसिएट्स द सपोर्ट फ्रॉम इट्स डेडिकेटेड स्टाफ, इट्स एम्प्लॉयज चाहिए, सिंगुलर में चाहिए पसेशन भी, आंसर हो गया ए पार्ट, आंसर हो गया ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक पाराजंबल है, नेक्स्ट एक पाराजंबल का क्वेश्चन है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको रीअरेंज करना है पाराजंबल। आइए, ये 6 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, ये 6 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाना है, ताकि पैराग्राफ का कुछ मतलब निकल सके, वो कुछ मैसेज कन्वे कर सके, है ना। आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि पहला सेंटेंस कौन होगा, स्टार्टर कौन होगा। स्टार्टर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पहले ढूंढते हैं कौन कौन स्टार्टर नहीं होगा। तो आइए देखा जाए कौन कौन स्टार्टर नहीं होगा। मोर ओवर जो वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, फर्दर मोर, मोर ओवर, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एज वेल एज, ये सब वर्ड्स क्या करता है, कुछ अतिरिक्त बताना हो, एक्स्ट्रा बताना हो तो ये वर्ड्स आएगा, तो आप कुछ और बता रहे हैं आगे, इसलिए ये स्टार्टर हमारा नहीं है, मतलब पहला सेंटेंस तो नहीं होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखोगे, दीज प्लेटफॉर्म्स इनेबल यूजर्स, कौन सा प्लेटफॉर्म, कोई तो प्लेटफॉर्म हुआ होगा चर्चा पहले, किसी न किसी प्लेटफॉर्म की चर्चा पहले हुई है, तभी कह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स, याद रखना कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या पसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, मतलब दिस दैट दिस दोज हिज हर इट्स देयर, ये सब अगर लिखा गया है
किसी सेंटेंस में, तो पहले ये पता करना चाहिए कि उसका नाउन कौन है, किसके लिए वह लिखा गया है। जिसके लिए लिखा गया है, जहां पर लिखा गया है वो पता कीजिए और वो सेंटेंस पहले होगा, ये नहीं, इसलिए ये भी शुरू में नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाइवर, हालांकि, कंजंक्शन बोल रहा है, आप कुछ कहेंगे तभी तो कहेंगे हालांकि, हाइवर, इसलिए ये भी शुरू नहीं होगा। डी एफ में देखेंगे, प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हैव बिकम बन गए हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स का एग्जांपल इसमें मेंशन किया जा रहा है। कौन से प्लेटफॉर्म का, हमें अभी इसे डाउट में रखना है कि ये स्टार्टर होगा या नहीं। अगला सेंटेंस पढ़िए, इट इज एसेंशियल फॉर यूजर्स टू बी माइंडफुल ऑफ देयर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड डिजिटल फुटप्रिंट। अब ये आपको ना क्या कर रहा है ना, सजेशन दिया जा रहा है कि ये जरूरी है, क्या जरूरी है, सलाह दिया जा रहा है, दवाई दिया जा रहा है, उपाय बताया जा रहा है। तो पहले बीमारी बताएंगे तब उसका दवाई लेंगे, पहले समस्या बताएंगे तब उसका समाधान बताएंगे, है ना, पहले आप चर्चा कीजिए कुछ तब उसके लिए सलाह देंगे लोग, इसलिए ये भी शुरुआत में नहीं आएगा। पांचवा हो गया खत्म। छठा देखो, सोशल मीडिया हैज रिवोल्यूशनाइज द वे वी कनेक्ट एंड कम्युनिकेट इन द डिजिटल एज। क्या बोल रहा है छठे सेंटेंस में, सोशल मीडिया ने क्या किया है, क्रांति ला दिया है उस तरीका में कि हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इस आधुनिक युग में। इसमें क्रांति कौन लाया है, तो सोशल मीडिया लाया है। अभी सोशल मीडिया का ही तो एग्जांपल सब है ये, तो पहले डी आएगा या पहले एफ आएगा, अब आप सोच के बताइए, बहुत ही आसान हो गया। तो निश्चित रूप से अब आप कह सकते हैं कि एफ है सर हमारा पहला सेंटेंस, है या नहीं है बता दो, बोलिए एफ। अब ये सोशल मीडिया जो क्रांति लाया है, तो कौन कौन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये सब बन गए हैं हमारे डेली लाइफ के इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, इसलिए ये हो गया सेकेंड नंबर हो गया। और ये प्लेटफॉर्म्स के लिए देखिए, दीज प्लेटफॉर्म्स आया क्या, प्लेटफॉर्म्स के लिए दीज, ये प्लेटफॉर्म के लिए दीज प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं यूजर्स को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए अपने थॉट्स को, फोटोज को, और एक्सपीरियंस करने के लिए क्या, ग्लोबल ऑडियंस को। तो ये इससे रेफरेंस लेकर के आप चले आए बी, जो कि हो गया थर्ड, बी जो कि हो गया थर्ड हो गया। अब देखिए, ये सोशल मीडिया के कहानी, क्रांति लाया सोशल मीडिया आज के डिजिटल युग में, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कौन कौन है अभिन्न हिस्सा, प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दे दिए। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करता है ये बता दिए, इसके अतिरिक्त भी कुछ काम होता होगा, तो ये अतिरिक्त इस यहां से बताए। मोर ओवर आज के युग में, आज की दुनिया में इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया को, ये एक्सटेंड करता है फार बियॉन्ड पर्सनल कनेक्शन से भी आगे निकलता है, मतलब एक्स्ट्रा बात बता रहा है सोशल मीडिया के बारे में ना, ये तो बोल रहा है कि सक्षम बनाता है यूजर्स को, और क्या क्या करता है, तो सेव करता है पब्लिक ओपिनियन को, और ड्राइविंग करता है सोसाइटल चेंज को, तो ये एक्स्ट्रा बात इनेबल क्या क्या करता है ये बात बताया। तो चौथे नंबर पे आया हमारा ए, हमारा पेयर देखिए क्या बन रहा है, एफ डी, एफ डी के बाद बी, बी के बाद ए, ए, अब आपका बच रहा है सी और ई, हाइवर, हालांकि जो इंपैक्ट है सोशल मीडिया का, यही सब तो काम कर रहा है। अब ये हाइवर लगा करके टोन को बदलेंगे, अभी तक आप पॉजिटिव बात बोल रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, अब हाइवर लगाएंगे अगर तो टोन को बदलेंगे, मेंटल हेल्थ आ रहा है, प्राइवेसी कंसर्न्स हो रहा है, ये सब ग्रोइंग इश्यूज है, मतलब निगेटिव कर दिए, अभी तक पॉजिटिव बता रहे थे सोशल मीडिया का क्या क्या फायदा है ये बता रहे थे, हाउएवर, बट, ऑल्दो, ये सब क्या करता है, टोन को ही बदल देता है। तो अब निगेटिव आ गया, तो इसके बाद सी आ जाना चाहिए, आना चाहिए। इसके बाद देखिए, यह जरूरी है यूजर्स के लिए कि वो माइंडफुल हो ऑनलाइन प्रेजेंस में और डिजिटल फुटप्रिंट में, ये आपको सजेशन दिया जा रहा है जो कि कंक्लूजन का काम करेगा, है ना, इसलिए लास्ट में कौन आएगा, ई। तो हमारा सही पेयर क्या है, एफ डी बी ए सी ई, एफ डी बी ए सी ई। आइए अब एंसरिंग करते हैं, क्या है हमारा, एफ डी बी ए सी ई।
थर्ड सेंटेंस कौन है? थर्ड सेंटेंस बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एफ डी बी ए सी ई, फर्स्ट सेंटेंस एफ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट एफ डी बी ए सी ई, यही तो अरेंज हुआ है आपका, तो फिफ्थ सेंटेंस कौन हो रहा है? ई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस एफ डी बी, ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट कौन था? एफ डी बी ए सी ई, तो ई हो गया लास्ट सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आज का मॉक टेस्ट समाप्त होता है, ठीक है। कल हम लोग फिर एक और मॉक टेस्ट करेंगे। डेली अभी मॉक टेस्ट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, बने रहिए, एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल सीजन है, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके एक मॉक टेस्ट भी बना लिया करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।